अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये मोरपंख कहां से आ गया? रूही, तू ऐसे भागते हुए कहाँ से आ रही है? क्या हुआ? वो मेरा मोरपंख। मोरपंख? अच्छा, वो सब छोड़, मुझे ये बता, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी तू? अपने घर गई थी ना? जीजू से बात हुई? नहीं जुई, मैं अपने घर नहीं गई थी, और मेरी नाजी से कोई बात नहीं हुई। अभी तू चल, हमें मंदिर में चल के पूजा करनी है। चल। नहार बेटा, ये मोर पंख सरस्वती माँ को बहुत प्रिय है। अगर आज के दिन ये उड़कर खुद तुम्हारे पास आया है ना, यानी माता रानी ने तुम्हें खुद आशीर्वाद दिया है। बेटा इसे हमेशा संभाल के रखना। लाइए भैया, मैं लगा देती हूँ। सोनी जी। जी। आज माँ घुटनों की दर्द की वजह से मंदिर नहीं आ पाई हैं, तो उनके लिए प्रसाद और चुनरी लेते चलिएगा। जी। आज त्योहार का दिन है और रूही नहार के साथ नहीं है। ये सही मौका है नहार के करीब जाने का। कुछ तो करना होगा। सॉरी नहार, वो किसी ने धक्का दे दिया। सॉरी। इट्स ओके। अब वहाँ साइड में थोड़ी जगह, मैं वहाँ चला जाता हूँ। यहाँ सही से दर्शन नहीं हो पा रहे, मैं कहीं और जाकर दर्शन कर लेती हूँ। जैसे मेरे आसपास रूही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे आसपास नहार जी है? रूही? ये रूही यहां कैसे आ गई? शायद ये दोनों अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हैं। और मैं इन दोनों को मिलने भी नहीं दूंगी। पर क्या करूं? बोले सरस्वती माता के जय। मेरा मातृ माँ सरस्वती के जय। सोनी जी, आप यहाँ? शी ऐसे तुम तो माँ के चल गए।
जरूर रूही ने कोई कांड किया होगा, पता करना पड़ेगा। रूही, ये ले प्रशांत। रूही, हम जब से मंदिर से आए मैं देख रही हूँ तो थोड़ी डिस्टर्ब सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं जूही, कुछ नहीं, सब ठीक है। रूही सच सच बता, तुझे मम्मी की कसम, क्या हुआ है? जूही प्लीज ना, मम्मी की कसम मत देना। नहार जीजू, जूही प्लीज, मैंने कहा ना मुझे तेरे जीजू के बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे वो देख, नहार जीजू वहां पे। नहार जी, जीजू यहाँ मंदिर आ गए लेकिन तुझे लेने घर नहीं आए, क्यों? रूही अभी जा, जाकर जीजू से बात कर। नहीं जूही, देखना अभी वो पूजा कर रहे हैं, अभी नहीं। अरे तो जन्मों जन्मों तक पूजा थोड़े ना करेंगे, 2 मिनट लगेंगे बस, तू जा, जाकर बात कर। नहीं नहीं जूही, अभी अभी नहीं जाना है। तू अकेले नहीं जाएगी ना, चल मेरे साथ चल। जूही प्लीज प्लीज, मुझे नहीं जाना है। पर क्यों रूही, क्या हुआ है? तू मुझे बताती भी नहीं है कुछ, ये गलती की वजह से क्या अपना घर छोड़ देगी तू? मैंने बोला तो है मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ सबसे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी तेरे लिए, तू मुझे मौका तो दे। पहले जब मैं कहती थी घर आ जा, तब तू मुझे क्या कहती थी? नहीं, मेरा ससुराल है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। 20 तरीके के बहाने मारती थी, 20 तरीके के नारे लगाती थी, और अब क्या हुआ है तुझे? अब कह रही हूँ अपने घर चली जा, तो तुझे घर नहीं जाना है। रूही क्या हुआ है वहां ऐसा, बता मुझे। अगर रूही इस घर में वापस आई ना, तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या फैसला लिया तुमने, तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? रूही मुझे ऐसे दोराए पर मत खड़ा करना जहाँ मुझे तुम में और इस परिवार में किसी एक को चुनना पड़े। जूही मुझे कुछ नहीं बताना, तू बस चल, मुझे नहीं जाना, तू भी नहीं जाएगी, ठीक है? चल, तुझे मेरी कसम, चल। रूही, मैं मंदिर की परिक्रमा कर लेती हूँ, तुम लोग प्रसाद ले लो। जी छोटे। तेरे साथ इतना गलत हो रहा है, तेरे खिलाफ उस घर में कोई साजिश कर रहा है, तुझे इन सब चीजों के बारे में जीजू से बात नहीं करनी है, क्यों? मैं तेरी जगह होती ना तो तांडव कर देती, एक एक से सवाल पूछती, लेकिन अपने घर वापस नहीं जाती, बल्कि उन लोगों को घर से निकाल देती। जूही बस, बोलने से पहले कभी तो सोच लिया कर, तो सहने से पहले कभी तो सोच लिया कर। खैर मुझे क्या है? तेरा घर तेरा परिवार तू जान, मैं वैसे भी बीच में बोल के पहले सब कुछ बिगाड़ चुकी हूँ, मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। तुझे जो करना है तू कर, I'm done। जूही जूही मेरी बात तो सुन। हे भगवान, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? नाची से बात करूं या नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देवी माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। मेरा मोर पंख नाची के पास है, मतलब ये माँ का कोई इशारा है कि मुझे नाहर जी के पास जाना चाहिए। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।